हाय एवरीवन, मैं सुमोना आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना में। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि प्लेटो के बारे में है और ये ग्रीक फिलोसोफर थे। इनके आज इंग्लिश बैकग्राउंड के बारे में देखेंगे कि ये कैसे राइटर थे, इन्होंने किस तरह से अपना जो रिटन वर्क किया था, इनके लाइक क्या थे, डिसलाइक क्या थे, ये सारे चीज़ हम लोग ये इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एन इंट्रोडक्शन टू प्लाटो एंड एरिस्टोटल। इसमें क्या है कि हम लोग प्लाटो का, इसमें तो खैर हम लोग प्लाटो के बारे में ही पढ़ेंगे, एरिस्टोटल का वीडियो में बाद में दूंगी। जो कि ये प्लाटो कौन थे, ये एरिस्टोटल के गुरु थे, एरिस्टोटल प्लाटो के शिष्य थे। हाँ, ऑब्वियसली ये गुरु थे, ये शिष्य थे, ये शिष्य थे, ये गुरु थे, तो इस तरह का इनका रिलेशन था। और ये जो एरिस्टोटल हैं, ये प्लेटो के एकेडमी में इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था। और क्या था कि उस समय का अगर इंस्टीट्यूशनल अगर एकेडमी मतलब बोल सकते हैं, तो प्लेटो का ही सबसे पहला इंस्टीट्यूशनल एकेडमी था ग्रीक देश में। और ये उनके क्या थे, संस्थापक थे, इन्होंने ही उस एकेडमी का मतलब एकेडमी का क्या किया था, एकेडमी को खोला था। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं आगे का कार्रवाई क्या है। इन एंशियंट ग्रीक द स्कूल्स ऑफ फिलोसफी एंड रेटोरिक व थियोरेटिकल ट्रेनिंग ग्राउंड्स फॉर द यंग मैन ऑफ दिस सिटी स्टेट्स यंग ग्रीक मैन वो ट्रेंड अंडर टू मेन स्कूल्स दैट ऑफ फिलोसफी एंड रेटोरिक। इसमें क्या है कि एंशियंट ग्रीक में, बहुत पुराना जो ग्रीक कल्चर था, वहाँ पर फिलोसफी स्कूल और रेटोरिक, रेटोरिक क्या होता है कि बहुत तरह का जो भाषा शैली सिखाया जाता है उसे रेटोरिक कहा जाता है। और थियोरेटिकल ट्रेनिंग, थियोरेटिकल पहले क्या होता था कि थिएटर में बहुत सारे प्ले किए जाते थे, तो उस तरह के ही ट्रेनिंग इस एकेडमी में, स्कूल में दिए जाते थे जो कि प्लाटो द्वारा बनाया गया था। और वहाँ पर यंग मैन, वहाँ के जो यंग मैन होते थे उनको इस एकेडमी में शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, अब आगे का देख लेते हैं कार्रवाई क्या हो रहा है। अब है कि प्लाटो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सोक्रेट्स थे, सोक्रेट्स तो प्लाटो से भी पहले ग्रीक के जो लेखक थे, और इनके बारे में ये कहा जाता था कि ये ज़्यादा लिखते नहीं थे। इन्होंने क्या किया था कि ये विचारक थे, ये जगह जगह पर जाके प्रचार प्रसार करते थे और शिक्षा देते थे सबको। ये भी दार्शनिक ही थे और प्लाटो के ये गुरु थे, प्लाटो इनके शिष्य थे। ऑब्वियसली ये गुरु थे और ये शिष्य थे और ये इनके, इसलिए मैंने इस तरह से मार्क कर दिया है कि आप भूले नहीं, ये सोक्रेट्स के शिष्य थे प्लाटो, प्लाटो के शिष्य थे एरिस्टोटल। तो ये इसी तरह ये चल रहा था। तो आगे देख लेते हैं। ग्रीक एंड वेस्टर्न फिलोसफी अलोंग विद हिज टीचर्स सोक्रेट्स एंड हिज मोस्ट फेमस स्टूडेंट एरिस्टोटल। ग्रीक और वेस्टर्न फिलोसफी के जो टीचर थे वे सोक्रेट्स, सबसे पहले तो सोक्रेट्स थे, उसके बाद फिर बहुत उसके सबसे फेमस स्टूडेंट, मतलब उसके सबसे पहले तो आप सोक्रेट्स थे, फिर प्लेटो हुए, फिर एरिस्टोटल हुए। तो एरिस्टोटल सबसे फेमस शिष्य थे प्लाटो के। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग यहीं तक एरिस्टोटल को यहीं स्टॉप करते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे प्लाटो, क्योंकि पढ़ रहे हैं हम लोग प्लाटो के लिए। तो प्लाटो का डेट ऑफ बर्थ था 427 BC और इनकी मृत्यु हुई थी 348 BC में। ही वॉज द मोस्ट सेलिब्रेटेड डिसिपल ऑफ सोक्रेट्स, फाउंडर ऑफ द प्लेटोनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट एंड एकेडमी, द फर्स्ट इंस्टीट्यूशनल ऑफ हायर लर्निंग इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो मैंने बताया आपको कि सबसे पहला इंस्टीट्यूशनल अगर एकेडमी खोला गया था तो प्लाटो के द्वारा, थ्रू प्लाटो खोला गया था, और वही फर्स्ट इंस्टीट्यूशन था आपका वेस्टर्न वर्ल्ड का, यानी विदेश का यही सबसे पहला इंस्टीट्यूशन था।
प्लाटो वॉज नॉट अ प्रोफेस्ड क्रिटिक ऑफ लिटरेचर एंड हिज क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन आर नॉट एम्बॉयडेड इन एनी सिंगल वर्क। प्लाटो जो थे वो कभी भी लिटरेचर को क्रिटिक नहीं किए हैं, और उन्होंने सिर्फ कुछ ऐसा एब्जॉर्ब किया है, मतलब जो भाषा शैली में कुछ ऐसा एब्जॉर्ब किया है या फिर रिटन वर्क में कुछ ऐसा एब्जॉर्ब किया है जिनको उन्होंने अपने किसी भी अपने वर्क में जो कि है इस सब के बारे में डिस्कस किया है। तो वो सब क्या हैं उसको देख लेंगे। His chief interest was philosophical investigation, which forms the subject of his great work, the dialogues, more particularly in Iron Crustulus, Protagorast, Gorgias, Symposium, Republic, Phaedrus, Philebus and Laws. तो ये सब नाम भी थोड़ा सा इतना अजीब रहता था पहले कि मतलब याद रखना भी ये सब मुश्किल है। तो ये सब नाम को आप लोग ज़रूर याद रखिए कि उनका जो रिटर्न वर्क था वो ये सब रिटर्न वर्क था, तो आप लोग इसको ज़रूर याद रखिए। तो आगे देख लेते हैं, इन्होंने ये सब बुक्स लिखे हुए थे, और भी काफ़ी बुक्स लिखे हुए थे लेकिन यहाँ पर मैंने इतना मेंशन किया, इतना काफ़ी है, अगर आप लिख दीजिएगा तो बहुत है ये सब। अब प्लाटो के व्यूज देखते हैं कि आर्ट में उनके क्या व्यूज थे। एज लिटरेचर इज़ एन आर्ट लाइक पेंटिंग स्कल्पचर्स एंड अदर्स, व्हाट प्लेटो थॉट ऑफ आर्ट इन जनरल डिजर्व्स द फर्स्ट कंसिडरेशंस। इन्होंने आर्ट और पेंटिंग और जो मूर्तियाँ होती है ना, स्कल्पचर्स जो मूर्तियाँ होती हैं उनके बारे में अपने जनरल थॉट्स दिए या फिर फर्स्ट कंसिडरेशन किया है इन लोगों के बारे में। प्लेटो कहते हैं, प्लेटो सेज ऑल आर्ट आर इमिटेटिव और मिमेटिक इन नेचर। इन द रिपब्लिक प्लेटो रोट दैट आइडियाज आर द अल्टीमेट रियलिटी। इन्होंने अपनी जो बुक रिपब्लिक में, मैंने ऊपर में बताया है रिपब्लिक बुक उन्होंने लिखा है, तो रिपब्लिक में उन्होंने बताया है कि जो आइडियाज जो होते हैं वो क्या होते हैं, रियल होते हैं, आइडियाज रियल होते हैं, लेकिन आर्ट क्या होता है कि वो कॉपी हो सकता है, वो इमिटेटिव हो सकता है किसी भी दूसरे चीज़ का। आर्ट इज़ मेयर इमिटेशन आर्ट ऑफ ऑल काइंड्स, पोइट्री, थिएटर, पेंटिंग एज इन्फेरियर कॉपीज ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी। उन्होंने कहा कि पहले देखिए आइडिया क्या होता है, आइडिया अगर किसी के दिमाग में सबसे पहले किसी चीज़ को लेके अगर आइडिया आता है, मान लीजिए कोई एक पोएम लिख रहा है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया, या फिर चलिए कोई वस्तु कोई चीज़ बना रहा है, ठीक है। जो ये थे प्लेटो थे वो सिर्फ ये नहीं कि कोई पोइट्री लिख रहा है तो वही सिर्फ आर्ट हुआ, वो आर्ट को किसी भी चीज़ में लेते थे। अगर कोई चीज़ अगर कोई व्यक्ति बना रहा है, जैसे कारपेंटर आपका लकड़ी का चेयर बना रहे हैं, लकड़ी का काम कर रहा है, या फिर कोई भी जैसे पेन बन रहे हैं, बुक्स कॉपीज बन रहे हैं, तो ये सारे चीज़ों को लेके उनका यही थॉट था कि सबसे पहले ये सारे चीज़ बनाने का जो थॉट, जो आइडिया जिसके दिमाग में सबसे पहला आता था वो क्या होता था, वो आइडिया होता है और वो रियल होता है। लेकिन उसके बाद फिर और सब जो उसको बनाते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसको अलग अलग पेंट करते हैं, तो ये सब क्या होता है, ये सब कॉपी होता है, वो सब किसी और का बनाए हुए चीज़ों को कॉपी होता है। जैसे पेन एक डिज़ाइन का बना, फिर और भी डिज़ाइन के पेंट्स मतलब बने मार्केट में, है ना, कारपेंटर चेयर बनाया, ठीक है, और भी बहुत सारे जैसे बर्तन वगैरह हैं। तो ये सारे चीज़ों को लेकर उन्होंने कहा है कि ये सब इमिटेटिव है, मतलब ये सब कॉपीज़ किए हुए हैं किसी और के, ये खुद का आइडिया नहीं है। लेकिन शुरू में अगर कोई चीज़ कोई सोचता है बनाता है तो वो उसका खुद का आइडिया होता है, तो इसीलिए वो आर्ट और पेंटिंग को मतलब त्रुट नहीं सोचते थे, उनमें मतलब इनमें उन्हें किसी भी तरह की सच्चाई नहीं नज़र आती थी। तो प्लेटो सेज, और भी आगे देख लेते हैं प्लेटो ने क्या कहा है। प्लेटो सेज दैट फिलॉसफी इज़ बेटर देन पोइट्री बिकॉज फिलॉसफर डील्स विथ आइडिया। इन्होंने कहा है कि जो फिलॉसफी है वो पोइट्री से कहीं ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो फिलॉसफर होते हैं वो आइडिया से डील करते हैं, वो अपने आइडिया अपने थॉट वो बनाते हैं। प्लेटो एज अ फिलॉसफर डिसअप्रूव्स पोइट्री बिकॉज इट बेस्ड इन फॉल्सहुड।
जो प्लेटो हैं वो पोइट्री को क्या करते हैं, फॉल्सहुड बताते हैं कि वो मतलब झूठ होता है, मिथ्या होता है, उसमें किसी भी तरह की सच्चाई नहीं होती क्योंकि वो किसी और की कॉपी की हुई चीज़ें होती है। ट्रूथ ऑफ फिलॉसफी वॉज मोर इम्पॉर्टेंट दैन द प्लेजर ऑफ पोइट्री। अब वो बताते हैं कि जो फिलोसोफर होते हैं वो बहुत ज़्यादा सच्चे होते हैं पोइट्री के हिसाब से, और पोइट्री में उनको किसी भी तरह की सच्चाई नज़र नहीं आती थी। तो इनका जो ये वाला थॉट है, एक चीज़ मैं बता दूं कि इनका जो इस तरह का जो थॉट था ना, इसी को इनके जो शिष्य एरिस्टोटल हैं वही खारिज करते हैं और इसके बारे में बहुत तर्क देते हैं। तर्क दे के वो ये सारे चीज़ों को, इनके जो गुरु थे इनके बातों को खारिज करते हैं। तो उनका जब मतलब वीडियो में हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से एक एक चीज़ को प्लेटो का खारिज करते हैं। प्लेटो मेन आइडिया, अब इनका मेन आइडिया देख लेते हैं कि मेन आइडिया क्या था इनका। थ्योरी ऑफ मिमिक्स, तो थ्योरी ऑफ मिमिक्स इमिटेशन बोला जाता है। मिमिक्स क्या होता है, किसी का कॉपी करना, किसी के चीज़ों को कॉपी करना, तो इसको मिमिक्स बोलते हैं। तो इनकी बहुत ज़्यादा फेमस थ्योरी है कि मिमिक्स को बताते हैं ये डिटेल करके। तो प्लेटो वॉज अ फॉर्म बिलेवियर ऑफ द ट्रस्ट फॉर्म, ही बिलीव्ड इन ओनली द मोस्ट रियल रियलिटी। जो प्लेटो थे वो क्या थे कि सच्चाई पे बहुत ज़्यादा उनको विश्वास था और वो हमेशा रियलिटी पे ही विश्वास करते थे। वो किसी भी तरह का कॉपी या फिर किसी के द्वारा बनाई गई पोइट्री, किसी और की कॉपी की हुई या फिर कोई भी थिंग्स, कोई भी वस्तु, ये सब चीज़ों पे वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे। वो रियलिटी पे ही बिलीव करते थे, सच्चे आइडियाज़ पे ही बिलीव करते थे। इन द रिपब्लिक प्लेटो रोट दैट आइडियाज आर द अल्टीमेट रियलिटी बिफोर अ थिंग्स टेक्स प्रैक्टिकल शेप, इट इज कॉन्सिप्ट एज एन आइडिया, सो आइडिया इज ओरिजिनल एंड द थिंग्स इज कॉपी ऑफ दैट आइडिया। इन्होंने बार बार जो रिपब्लिक जो बुक लिखी है उसमें उन्होंने बार बार यही चीज़ कहा है कि जो आइडिया होता है वो बिल्कुल रियल होता है, लेकिन उसके बाद जो भी प्रैक्टिकल बनाया जाता है, शेप दिया जाता है किसी भी चीज़ को, उस शेप को फिर कोई और उसको कॉपी करता है, लेकिन जो आइडिया होता है वो बिल्कुल ओरिजिनल होता है। और जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, आइडिया को कॉपी की हुई होती है चीज़ें, लेकिन जो आइडिया होता है वो बिल्कुल ही रियल होता है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, एक कारपेंटर होते हैं वो एक चेयर बनाता है, ठीक है। कारपेंटर्स चेयर इज द रिजल्ट ऑफ द आइडिया ऑफ चेयर इन हीज माइंड। तो ये क्या हो गया, ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। क्या होता है कि एक चेयर जो कारपेंटर जो बना रहा है तो वो बना लिया, उसके दिमाग में सबसे पहले आया चेयर बनाने का कि चेयर किस तरह से बनाएंगे, फिर वो चेयर को ढाल दिया किसमें, वो प्रैक्टिकल एक फिजिकल थिंग्स में उसको ढाल दिया। तो ये क्या हो गया कि जो फर्स्ट उसका दिमाग में आइडिया वो आया था वो रियल था, लेकिन जब उसने उस चीज़ को बना दिया तो क्या हो गया, ये ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, ये दो बार रियलिटी से क्या हो गया, दूर हो गया। His basic argument against mimics was the fact that both drama and epic imitate the world of perceptual appearance. तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि इनका जो argument था वो mimics के against में था, और वो drama और epic को भी क्या मानते थे, imitative मानते थे, मतलब ये भी copy किए हुए होते हैं। उनके अनुसार For him, the only reality was that of abstraction. वो सिर्फ real को ही abstracts मानते थे। The poet in his eyes imitated an appearance of the abstraction and a play. An epic was hence a derivative of the derivative. Hence thrice removed from reality. They are image, not realities. अब इसमें ये बताते हैं कि जो पोएट्स होते हैं वो अपने आँखों से देख के कोई चीज़ को वो जब बनाते हैं तो वो कॉपी मतलब करते हैं। एक तो पहले हो गया कि पहले उसके दिमाग में आया, फिर उसने चेयर को बना दिया,
ठीक है। तो इसी तरह से क्या होता है, प्ले और एपिक में भी इसी तरह से होता है। अगर कोई किसी के दिमाग में कोई चीज़ आइडिया आया, उसने उस चीज़ को रिटर्न वर्क में किया, फिर वो चीज़ परफॉर्म्स हुआ, तो ये यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो चीज़ क्या हो जाता है, वो चीज़ पूरी तरह से मिमिक्स हो जाती है किसी और की। वाइल द रेटोरिशियंस नेवर क्वेश्चन सोसाइटी ऑफ फिलोसफी, प्लाटो वॉज द फर्स्ट सीरियस थिंकर टू क्वेश्चन सोसाइटी अलॉन्ग थियोरेटिकल लाइन्स। ये जो है, जो रेटोरिशियंस होते थे, उन ये सोसाइटी में किसी भी तरह का ये सब चीज़ों को लेके कभी भी क्वेश्चन नहीं किए, लेकिन प्लाटो ही सीरियस थिंकर थे जिन्होंने इस बारे में सवाल उठाए। प्लाटो डिवाइड द इंटायर वर्ल्ड इंटू टू पार्ट्स। प्लाटो ये पूरे इंटायर वर्ल्ड को टू पार्ट्स में डिवाइड करते। एक होता है फिजिकल रियलम दैट वी कैन टच एंड सी चेंजिंग एंड इम्परफेक्ट। पहला तो होता है फिजिकल रियलम, जिसको कि हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, और उसको ये इम्परफेक्ट मानते थे प्लाटो, क्योंकि उनका मानना था कि जो कि फिजिकल रियलम हो रहा है तो वो कॉपी किया हुआ हो रहा है। और सेकंड स्पिरिचुअल रियलम दैट वी कैन नॉट सी एंड टच, इट इज़ द अनचेंजिंग एंड परफेक्ट आइडिया, रियलम ऑफ फॉर्म्स एंड आइडियाज़। और सेकंड मारते थे स्पिरिचुअल रियलम, जो कि अंतरात्मा से होती है, ना हम इनको टच कर सकते हैं, ना हम इनको देख सकते हैं, और इसमें किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं होता, ये बिल्कुल परफेक्ट आइडिया होता है जो कि इंसान के अंदर से आता है। अकॉर्डिंग टू प्लाटो वर्डली ऑब्जेक्ट आर इमिटेटिव इमेजेस ऑफ आइडियाज, फॉर्म पोएट्री पेंटिंग थिएटर एंड अदर आर्ट फॉर्म्स आर इन टर्न इमिटेटिव इमेज ऑफ द वर्डली ऑब्जेक्ट्स। प्लाटो के अनुसार क्या है कि जो इमिटेटिव इमेजेस होते हैं ये आइडियल नहीं होते, जैसे पोइट्री है, पेंटिंग है ना, थिएटर है। तो पेंटिंग भी क्या होता है, मान लीजिए कोई चीज़ किसी के द्वारा बनाई गई, अब उसी बनाए हुए चीज़ पे कोई पेंटिंग किया, तो ये सारा चीज़ किस प्रोसेस में, ये मानते थे कि ये कॉपी किया हुआ है किसी का। सो आइडिया इज़ ओरिजिनल एंड द थिंग्स इज कॉपी ऑफ दैट आइडियाज। तो उनका मानना था कि जो आइडियाज़ होते हैं वो तो ओरिजिनल होते हैं, लेकिन उसी आइडिया को जब कॉपी किया जाता है, उनमें चेंजिंग किया जाता है, तो वो क्या हो जाते हैं, वो पूरी तरह से मिमिक्स हो जाते हैं, किसी और का नकल हो जाते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग देख लेंगे। एग्जाम्पल क्या है कि कारपेंटर्स चेयर इज़ द रिजल्ट ऑफ द आइडिया ऑफ चेयर इन हीज माइंड। मान लीजिए कारपेंटर जो है वो एक चेयर बना रहा है, तो चेयर बनाने के पहले उसके मन में जो भी आइडियाज़ आते हैं चेयर को लेके, तो वो उसको फिर सांचे में ढालता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉपी हुआ, आइडिया का कॉपी हुआ। और फिर क्या होता है कि द पेंटर्स चेयर इज़ द इमिटेशन ऑफ द कारपेंटर्स चेयर इज़ द इमिटेशन ऑफ कारपेंटर चेयर। तो इसमें क्या होता है कि पहले तो वो फिजिकल चेयर को ढांचा में ढाल दिया, फिर नेक्स्ट बार क्या होता है, नेक्स्ट बार ये होता है कि इसको फिर पेंट किया जाता है चेयर को। तो होता ये है कि पहले तो आइडिया आया कारपेंटर के माइंड में, फिर वो चेयर बनाया, फिर उसको पेंट किया। तो एक के बाद एक वो मानते थे कि ये सब क्या है, इमिटेशन, कॉपी किया हुआ है किसी का, है ना। जो फर्स्ट आइडिया आया वो तो आइडिया है, वो तो ठीक है, अनचेंजिंग है, रियल है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उसमें चेंजिंग आया वो सब क्या है, कॉपी है। सो इट इज़ ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। तो ये क्या हो गया कि दो बार तुम्हारे रियलिटी से वो रिमूव हुआ, जब उसको चेयर के सांचे में बनाया गया। सो प्लाटो कंक्लूड्स दैट द आर्टिस्ट डील्स इन इल्यूजन। तो आर्टिस्ट किससे, इमेजिनेशन, इल्यूजन मतलब जैसे किसी चीज़ का जो ये होता है, इमेजिन करता है, तो वो क्या है, आर्टिस्ट डील करता है इमेजिनेशन से, इल्यूजन से, ठीक है। प्लेटो बिलीव्ड इन ट्रू रियलिटी इन द आइडियल इन एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। प्लेटो क्या विश्वास करते थे कि सच्चाई जो होती है, रियलिटी, वो आइडियाज़ का एब्स्ट्रैक्शन है, मतलब आइडियाज़ क्या है, बिल्कुल रियल होता है। फॉर हिम ऑब्जेक्ट वर नथिंग मोर देन एन इमिटेशन। वो किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को इमी नकल या कॉपी से कुछ ज़्यादा नहीं मानते थे। द रियलिटी और द आइडिया, मतलब रियलिटी और आइडिया को ही फेल्ट दैट एन इंडिविजुअल इमिटेटिंग एन इमिटेशन वुड
प्रोड्यूस एंड इमिटेटिव फॉर्म दैट वॉज थ्राइज रिमूव फ्रॉम द आइडिया। और उसी आइडिया को जब कोई लगातार एक चेयर कारपेंटर के दिमाग में चेयर बनाने का आइडिया आया, फिर वो चेयर बना, तो ये क्या है, ट्वाइस रिमूव फ्रॉम आइडिया, ठीक है, ये मतलब दो, एक बार पहला हो गया और फिर थ्राइस जब उसको पेंट किया गया, कलर किया गया, फिर दूसरा तीसरा उस चीज़ को बनाया गया, तो वो क्या है, थ्राइस रिमूव फ्रॉम द आइडिया, वो तीसरी बार आइडिया से क्या हो गया, अलग हो गया। तो यही था आपका प्लेटो का जो सोच है, आपका आर्ट और पेंटिंग को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, उन्हें तो एनिमीज बोला जाता था आर्ट और पेंटिंग के बारे में। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिए। बाय।